हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। और जय श्री श्याम, जय माता दी। तो आज देखिए, मैंने एकादशी का व्रत रखा है और एकादशी पे मैंने खाटू श्याम जी को भी पीले वस्त्र पहनाए हैं और माता रानी को भी पीला चोला पहना दिया है, नहला के उनको स्नान करा के उसके बाद उनकी ज्योत बत्ती करी, आरती करी, एकादशी की कथा है जो वो करी। उसके बाद फिर मैंने भोग प्रसाद लगवाया। मैं माता रानी का भी साथ में बराबर कर रही हूँ और खाटू श्याम जी का भी, मतलब दोनों का सेम टू सेम। जैसे कपड़े भी उनके वस्त्र चेंज करवाने, उनके खाना दोनों का देती हूँ मैं, प्रसाद और फिर और क्या होता है, मतलब सेम सेम कर रही हूँ मैं। और ये बाबा जी का घोड़ा है, जो नीला घोड़ा बाबा जी की सवारी होती है, ये बार बार गिर जाता है, ये सेट होके नहीं बैठता, गिर जाता है बार बार, पता नहीं क्यों कैसे। और यहाँ पे मैं फटाफट जो कपड़े हैं वो सुखाने लग रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे सुखाने वाले, रात को मैंने धोए थे तो मैंने सुखाए नहीं, सिर्फ प्रियांश की यूनिफॉर्म सुखाई थी। और प्रियांश की यूनिफॉर्म सुखाने के बाद मैं बस बाकी के कपड़े जो वो ऐसी बास्केट में डाल के रख दिए थे, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ आजकल, मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्यों, जैसे ना शरीर थका थका सा रहता है और नींद आती जाती है, लेकिन सो भी नहीं पाती हूँ, रात को ही सोती हूँ मैं फिर सीधा। आज मैं अपनी रजिस्ट्री गई थी देने के लिए इंतकाल के लिए, वो मैं दे आई हूँ। इंतकाल मतलब वो होता है ज़मीन का करवाते हैं, उसके बाद ही जो है पक्की हो जाती है रजिस्ट्री आपके नाम। मेरे नाम रजिस्ट्री तो हो गई है, लेकिन इंतकाल चढ़ानी, मतलब इंतकाल होता है चढ़ाना रजिस्ट्री को मेरे नाम, तो वो चढ़ाने के लिए दे आई हूँ मैं। एक महीना लगता है उसमें और अभी एक महीना बस चुप करके बैठना पड़ेगा मुझे, और कुछ नहीं, एक महीना मुझे वेट करनी पड़ेगी। अब जब तक रजिस्ट्री क्या कहते हैं इंतकाल नहीं होता, जमाबंदी नहीं मिलती, तब तक लोन नहीं अप्लाई हो सकता। तो बात सारी हो गई है, वैसे लोन मेरा हो जाएगा और जो इंतकाल और जमाबंदी है वो आप मुझे मिलेगी एक महीने बाद, तो उसमें भी पैसे लगे हैं आज। ये चीज़ों में इतने पैसे लगते नहीं हैं, बट मुझे पता है कि वो लोग बस अब मजबूरी में हम जैसे लोग फंसे होते हैं, क्या ही कर सकते हैं, तो इसलिए अब करना तो पड़ेगा ही, अब मजबूरी बन जाती है हमारी। बाकी मैंने अपनी इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी सुबह दूसरे चैनल पे, तो उस पर मैंने दिखाया आपको कि मकान मेरा किस तरीके से बनाने का सोचा है मैंने, वो प्लान मैंने बनाया सारा। सीढ़ियाँ बाहर के बाहर से निकाल दी हैं, वो बाहर के बाहर इसलिए निकाली हैं ताकि रेंट आउट कर सके, अगर मान लो रेंट आउट करना भी पड़ गया तो मैं कर सकती हूँ। कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगर मेरा लोन ज़्यादा का हो गया, मैं ऊपर नीचे दो पोर्शन डाल लूँ तो नीचे मैं रह ही जाऊँगी, मेरे पास इतना सामान तो है नहीं कि बड़े बड़े घर, भाई बड़ा सारा घर चाहिए मुझे, तो मेरा सामान तो नीचे नीचे ही आ जाएगा, तो बाकी जो ऊपर का होगा एक्स्ट्रा बेड बेड हो गए, कोई सिंगल बेड हो गया, मंजी हो गए, वो ऊपर मैं रख दूँगी, ऊपर कोई रेंट पर दे दूँगी किसी को, तो जैसे सफाई भी होती रहेगी और ख्याल भी रखा जाएगा घर का। और जो बैंक की किस्त होगी वो भी मेरी आधी निकल जाया करेगी, आधी मैं निकाल लिया करूँगी, आधी निकल जाया करेगी, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अपना ऊपर पोर्शन हो तो रेंट आउट कर सकते हैं हम, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी सभी आइडिया दे रहे थे, तो मैं पहले से ये चीज़ सोच के बैठी हूँ कि अगर मुझे रेंट आउट करना पड़ा तो मैं कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी पीजी गर्ल्स भी होती हैं, जैसे उनका खाना भी मैं लगा लूँगी, मैं खाना बना के दे दिया करूँगी, टिफ़िन वगैरह उनको, अगर कोई पीजी पे लड़कियाँ लड़कियाँ रह लेते हैं तो इस तरीके से कभी रहना होगा या फैमिली रहनी होगी छोटी सी फैमिली हमारे जैसे, तो वो भी रह सकते हैं। आज अगर मैं वीडियो को स्पीड ज़्यादा बढ़ा दे रही हूँ, 2x से ज़्यादा कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा रुक रुक के अटक अटक के वीडियो चल रही है, पता नहीं क्यों, पहले नहीं ऐसे हुई थी, पहले तो बड़ी एडिटिंग हो गई थी, स्पीड बढ़ा बढ़ा के की थी मैंने सुबह भी एडिटिंग। रेंट आउट करने की तो बाद की बातें हैं, वो तो पहले तो अपना खुद का रहने लायक ही अपना घर बन जाए वही बहुत है, प्लाट लेना और घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो अभी प्लॉट तो ले लिया लेकिन घर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे खाटू श्याम बाबा जी ज़रूर बनाएंगे, वरना देखो इतने सालों से मेरा पैसा ख़राब हो रहा था, मेरा घर बन ही नहीं पा रहा था, मेरा प्लॉट नहीं लिया जा रहा था मेरे से, इतने पैसे कमा के बर्बाद हुए जा रहे थे मेरे पैसे, तो अब खाटू श्याम जी से जैसे ही मैंने अर्जी लगाई मेरी जगह बन गई, और अब मैंने अर्जी लगा रखी है बाबा जी के आगे कि बाबा जी मेरा जल्दी से जल्दी मेरा अपना खुद का घर बना दो, और मुझे बाबा जी देखना एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
अपने आप ही उन्होंने मेरा जो घर का काम है वो देखिए बना देना है, सारे काम बना देने हैं मेरे पापा जी ने। बस पापा जी कहते हैं ईमानदारी से काम करना है, और ईमानदारी से ही मैं अपना काम कर रही हूँ, पूरी ईमानदारी से मुझे अपना काम करना है। अब मुझे कोई झूठे टाइटल वगैरह नहीं डाले, पहले व्यूज़ के लिए अब मुझे पता होता था कि व्यूज़ की ज़रूरत है, तो मैं ऐसे टाइटल डालती थी कि जिससे कि लोग वीडियो देखें। मैं अकेली नहीं, वो तो सारे यूट्यूबर्स करते हैं, वो कौन सा मैं अकेली नहीं कह रहा था। तो टाइटल डालती थी जबकि मैं ना तो मैं ऐसी हूँ ना मेरे दिमाग में ऐसा कुछ सोच होती थी, लेकिन फिर भी मैं कईयों के कमेंट्स वगैरह उठा के कमेंट में बोल देती, मैं वो टाइटल डाल देती थी, जैसे कि जो भी कोई देखता था तो वो ये सोचता कि हाउ कैन यू ने ये टाइटल डाल लिया, इसको अकल नहीं है, इसको शर्म नहीं आती, इसको ऐसे ऐसे। मैं क्या करूँ, मैं ऐसी हूँ नहीं, लेकिन मुझे टाइटल डालने पड़ते थे क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चे के लिए मैं ही हूँ एक जिसने करना है। आज मैं यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ, बट अब नहीं मैं कोई भी ऐसे टाइटल डालूँगी, अब मैं नॉर्मल अपनी वीडियोस बनाऊँगी। माता रानी और बाबा जी खाटू श्याम जी मेरी ज़रूर मदद करेंगे। का काम वाम भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गई, और अब मैं खाने लगी हूँ फ्रूट्स क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। प्रियांशु भी बोल रहा है खाना खाना नहीं है, ये 11-12 बजे से खाएगा। और अभी सब्जी बना दी है मैंने और आटा गूंथ के रख दिया है, बस इसकी रोटियाँ बना दूँगी, जब ये खाएगा तब इसको बना दूँगी रोटियाँ। मुझे अभी जाना है थोड़ा सा बाजार, रजिस्ट्री की फ़ोटो कॉपी करवा के इंतकाल के लिए देख के आनी है, कल जा नहीं पाए, आज जाऊंगी। तो पहले मैं खा लूँ, आ जाओ आप लोग भी खा लो प्रसाद, खा लो ग्रेप्स बनाना ऐसे कट ऐसे ही ले आई हूँ मैं कटोरी में डाल के इसी तरीके से, तो आ जाओ खा लो आप सब भी। सो थोड़े से मैंने फ्रूट्स खाए, उसके बाद मैं प्रियांश के साथ बाज़ार चली गई थी, वहाँ से मैं थोड़ा बहुत तुलसा जी की माला होती है जो वो खाटू श्याम जी के गले में डालने के लिए, वो लेके आ रही थी, मैं वो लेके आई। उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई जो राशन का सामान ख़त्म था, ये लिस्ट बनाने के भेजी है, सारा सामान लेके आना था इंतकाल चढ़ाने के लिए, रजिस्ट्री देख के आई, फ़ोटो कापियाँ करवा के, ओरिजिनल तो मेरे पास है मतलब फ़ोटो कापियाँ देनी होती है, तो वो फ़ोटो कापीज़ देख के आई हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत पैसे लग गए आज। उसके बाद रेंट भी दिया, आज रेंट भी देना था, 1 तारीख को देना होता है, तो अब 5 तारीख हो गई है, तो 5 तारीख को मैंने रेंट दिया है, बिजली का बिल दिया है, और वो सारा लिख रही थी मैं कि कहाँ पे क्या दिया, कहाँ पे क्या दिया, कितनी अमाउंट चलेगी, कितनी रहेगी, कितनी इंस्टॉलमेंट कटगी, तो सारी इंस्टॉलमेंट कट चुकी है मेरी, महीने की 5 तारीख को 2 से लेकर 5 तक सारी इंस्टॉलमेंट कट जाती है, वो कट गई, रेंट दिया गया, और बस अब जो आई चलाई चलानी है घर खर्चा वही चलाना है, बाकी सारा अब मेरा जो महीने का जो भी देन लेन जाता है हर महीने जितनी इंस्टॉलमेंट जाती है वो सारी पे हो गई है। तो अब बस मुझे सेविंग करनी है कि इस मंथ अगर मुझे कोई और इनकम आती है तो फिर वो मैं अपनी सेव करूँगी, क्योंकि मेरी इंस्टॉलमेंट तो जा चुकी है सारी। और यहाँ पे मैं मेरे पता नहीं फेस पे ना इचिंग सी होती रहती है, कुछ जैसे ना मच्छर से काट रहे हैं ऐसे मेरे फेस पे भी होती रहती है आजकल इचिंग, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो प्लीज़ मेरी गाइज आप लोग सपोर्ट करो, मदद करो, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, ऐसे कैसे बढ़ूँगी बताओ। तो ये देखिए खाटू श्याम बाबा जी को येलो वस्त्र पहनाए थे, और मैंने मुकुट था वो चेंज किया, नया लेके आई थी वो पहनाया है, नींद आने लगी। ये देखिए ये नया मुकुट मैं लेके आई हूँ, आज गई थी मैं, तो आज मैं लेके आई हूँ मुकुट, और छोटे 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 कितने सारे मैं मुकुट उठा के ले आई ऐसे, बस पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, लेकिन वो मैंने चोले के हिसाब से उनसे मुकुट मांगे थे, कितने सारे उन्होंने पैकिंग दे दी पूरी, मैं पूरी पैकिंग ही लेके आ गई, लेकिन उस पूरी पैकिंग में से एक भी पीस मतलब निकला नहीं ऐसा जो खाटू श्याम बाबा जी के आ जाए या माता रानी के आ जाए, तो सारे मेरे पैसे वो बर्बाद हो गए। और यहाँ पे देखिए ये कितना सुंदर चोला है, ये भी मैंने नया लिया है, न्यू लिया है मैंने खाटू श्याम बाबा जी के लिए, जो वाइट वाला वो भी न्यू है, और ये देखिए कितने सारे मुकुट, अब आप देख ही पा रहे हो कितने सारे मुकुट है, ये पूरा कॉम्बो था, मैंने कहा चलो कोई माता रानी के पहना दूँगी, कोई खाटू श्याम बाबा जी के पहना दूँगी, लेकिन एक भी साइज नहीं आया है दोनों के, क्योंकि वो पीछे से ना जो चक्कर होता है ना उनका सुदर्शन चक्कर जैसे कृष्ण जी का होता है वैसे माता रानी का भी पीछे चक्कर सा होता है सर के, और उसके वो सर से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से बीच में गैप नहीं है, तो जिस वजह से कुछ नहीं आया। ये देखो तो सही आपका मन ही ऐसा ललचाएगा कि इन चीज़ों को देख के कि हम भी काश हम भी खाटू श्याम बाबा जी रखे होते हैं, हम भी लेके आते हैं सब,
ये कान्हा जी के और खाटू श्याम बाबा जी के ही है। ये जो मुकुट है, ये पगड़ी वाला, ये बाबा जी का ही है। कहीं पे भी जो सुख और वो जो सुकून होता है वो कहीं नहीं मिला मुझे। सारी दुनिया टटोली मैंने, सब मतलबी लोग मिलते हैं, सब जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो मिलते हैं, बहुत कम होते हैं दुनिया में। बहुत रेयर लोग होते हैं जो किसी को दिल से चाहते हैं, जो किसी की दिल से केयर करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने तो अपने तरफ से अच्छे काम किए हैं, सबका किया है, सबका लाड प्यार मोह किया है, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला, सिर्फ ठोकरे। और अब जब मैं बाबा जी के भजन सुनती हूँ ना, रो के दिल हल्का हो जाता है। अब दुनिया के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी है मेरे, उनके सामने मैं रो लेती हूँ और अपना दिल हल्का कर लेती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे एक पॉजिटिविटी आती मेरे अंदर कि हाँ ये भी मिल जाएगा मुझे, वो भी मिल जाएगा मेरे लिए, बाबा जी ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। अब डर नहीं लगता है, अब विश्वास है पूरा कि मेरा काम बन जाएगा, मेरा हर काम बन जाएगा। हाँ हर चीज़ का वक्त होता है, थोड़ा वक्त लग जाएगा लेकिन बनेगा ज़रूर काम। तो बस यही सोच के मैं अपना आगे काम करती रहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।